हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासरूम। आज हम बात कर रहे हैं एक और केमिकल बॉन्डिंग का एक और वीडियो में। इसमें आज हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर की और द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आयनिक बॉन्ड की जैसे मैंने बात कर ली थी, आयनिक बॉन्ड होता क्या, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जैसे ए प्लस है और एक कोई भी एटम बी माइन, कोई भी दूसरा एक एनायन है बी माइन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हमें क्या कहते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो बना है ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर आपको दो चीज़ तो यहाँ दिख रही है कि ए प्लस बन रहा है और एक बी माइनस बन रहा है, तो इन दोनों के फॉर्मेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो बस वही बॉन्ड द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन द आयनिक बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनते क्यों हैं, देखिए पॉजिटिव कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल होने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर जिसकी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो फैक्टर्स मतलब सबसे पहला तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो बहुत बढ़िया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एंथैल्पी। तो Cl- F- इनमें सबसे ज़्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो मतलब होनी चाहिए लो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा फैक्टर लैटिस एंथैल्पी, अगर जिसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब स्टेबल बॉन्ड्स बनेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होना उसको तोड़ने के लिए। वैसे हम लैटिस एंथैल्पी को आगे भी डिफाइन करेंगे, फिर मैं एक बार बता दूँ लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। ए प्लस और बी माइनस बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। कि मतलब कोई भी एक ए बी एड मॉलिक्यूल उसमें ए प्लस और बी माइनस बनाना उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अगर हाई नेगेटिव वैल्यू होगी मतलब क्या, ये स्टेबल बॉन्ड्स हैं, ए बी का ए बी और इनके बीच में स्टेबल बॉन्ड्स बना, इसलिए अगर ज़्यादा वैल्यू हो गया लैटिस एंथैल्पी तो वो भी क्या होगा, एक अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत माइंड में रखना है कि हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी की। हाँ, जैसे यहाँ लिख रखा है तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। और नेगेटिव से क्या होता है, और नेगेटिव का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी गैशियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए M एक मेटल है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, M प्लस बनाया, और इसी X प्लस कोई भी एक Cl है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनाया Cl X माइनस बना, ये क्या था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बनाए, Mx बनाया, Mx के बीच में क्या हुआ, एक हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी लगी, तो इससे क्या बना, Mx स्टेबल बना। आयनिक बॉन्ड्स विल फॉर्म इजीली व्हेन दे हैव ए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात आप माइंड में बिठा के रखना, ये वाली ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाली और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाली, उन दोनों का जब सम करें वो पॉजिटिव होगा तो एक अच्छा स्टेबल बॉन्ड्स बनेगा। अगर वो हाई वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो उससे भी क्या एक स्टेबल बॉन्ड्स बनेगा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा एनर्जी निकल रही है तो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होता है, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ बात करिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस की, फ्रॉम Na मतलब Na से Na प्लस बनाने की इतनी है 49.5 किलो जूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है, जब इन दोनों का सम करते 147.1 आती है। तो Na जब अपन NaCl की अपन लैटिस एंथैल्पी की बात करें तो -788 किलो जूल होती है, वो उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस के अंदर, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब उससे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी। जैसे मैंने बताया था लैटिस एंथैल्पी हम आगे बात करेंगे, तो मैं बता देता हूँ लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन आयन, मतलब वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जैसे NaCl, उससे Na प्लस और Cl माइनस बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ये इस तरीके के फॉर्म में भी डेफिनेशन ले सकता है कि जब Na प्लस और Cl माइनस से अपन को एक NaCl बनाना है तो एनर्जी लगेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं लैटिस एंथैल्पी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तोड़ना और बनाना। हाँ, जैसे बात करिए लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl की 788 किलो जूल पर मोल होती है। हाँ, इसका मतलब अपन को इतनी एनर्जी लगेगी इस NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ने के लिए। ठीक है,
अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की. बॉन्ड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंगल, जैसे मैंने बता दिया था. ये चार पांच, और बॉन्ड ऑर्डर भी, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है? हमारा एक बॉन्ड पैरामीटर होता है. हाँ, तो हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जैसे कोई भी एक एटम ए है और बी एटम है, जब ये बॉन्डेड कंडीशन के हैं तो इन दोनों के जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं. जैसे कोई भी एक एटम ये है और दूसरा एटम है, दोनों बॉन्डेड है, मान लीजिए जॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस होंगी उसी हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ के नाम से देंगे. कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या कहते हैं? आर बाय टू कर देते हैं. और इसमें और एक आगे और आएगा वंडरवॉल रेडियस, तो बाद में करेंगे, पहले अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं. जैसे कोई भी दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जब उसका हाफ करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? एटॉमिक रेडियस. जब उसका डबल कर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा? बॉन्ड लेंथ मिलेगा. देखो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं? जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो लेंथ थी ना उसका हाफ कर दो तो उससे अपन को क्या मिलेगा? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी. हाँ, कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड. हाँ, और वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? कोई भी दो मॉलिक्यूल उनके बीच में अगर सिमिलर एटम्स है, हाँ, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? हमारा वंडरवॉल रेडियस कहेंगे. जैसे ये क्या है अभी? हमारा कोवेलेंटली बॉन्डेड कोई भी दो एटम है, इन दोनों का जब ये क्या है? हमारी कोवेलेंट रेडियस है. जब इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी. ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड एंगल की. बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे कोई भी एंगल है ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. जैसे ऑक्सीजन है, ये क्या सेंट्रल एटम है H2O का, तो इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स उनके क्या बना रहा है? H के साथ एक बॉन्डिंग बना रहा है, तो उनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे? हमारा बॉन्ड एंगल कहेंगे. बॉन्ड एंगल को हम डिग्री, मिनट, सेकेंड के अंदर मेजर कर सकते हैं. इसका वो जो एंगल होता है H2O का 104.5 होता है और NH3 का 107 होता है. और हमारा और कोई भी अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4, तो उसका 109.5 होता है. ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी का इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ द बॉन्ड्स इनटू इट्स एटम इज इन अ गैसियस फेज इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी. जैसे CH4 है, इसमें क्या है? चार टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसमें ऐसा कुछ शेप होगी. तो इसमें जो हाइड्रोजन सी और एच के बीच में जो चार बॉन्ड्स हैं, तो इनको अलग अलग तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी. तो देखिए यहाँ लिख भी रखा होगा. हाँ, पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, इसमें डिफरेंट एटम है, तो उसमें जो मी एवरेज ले लेंगे अपन, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ले लेंगे. जैसे सी और एच के बीच में सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, फिर सी और एक और सी और एच के, फिर एक और सी एच और फिर एक और सी एच, तो उनका सबका जो मीन लेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? हमारा बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगी. बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो का. देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कोई भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हमने क्या नेम दिया? बॉन्ड ऑर्डर के नेम में दिया. जैसे ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हमने क्या किया? ओ का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है. हाँ, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि N और N के बीच में क्या होता है? 3 बॉन्ड होते हैं. F2 में 2 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर. हाँ, तो मतलब कुछ नहीं, इट इज़ द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशन हम आगे सीखेंगे कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MOT. आगे आएगी, हम आगे बात करेंगे. हाँ, तो अभी तक आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियोज़.